खैरथल कस्बे में किशनगढ़ रोड से मातोर रोड तक के लिए भाजपा सरकार में स्वीकृत हुए 5 किलोमीटर लंबे बाईपास का काम कागजों में ही उलझा हुआ है। साल 2018 में बाईपास के लिए भूमि का अधिग्रहण हुआ था, जिसका मुआवजा 21 करोड़ रुपए स्वीकृत हुआ था। बाईपास निर्माण के लिए 7 करोड़ 50 लाख रुपए स्वीकृत हुए थे, लेकिन अभी तक सरकार से मुआवजे के रूप में मात्र 6 करोड़ रुपए सार्वजनिक निर्माण विभाग को भेजे गए हैं, जिसमें लगभग 5 करोड़ रुपए किसानों को बांट दिए हैं। निर्माण की स्वीकृति राशि अभी तक नहीं आई है, जिससे निर्माण कार्य अब भी शुरू नहीं हो पाया, जबकि किशनगढ़ रोड पर बाईपास निर्माण का बोर्ड लगाया जा चुका है, जिस पर कार्य शुरू करने की तिथि 17 सितंबर 2018 तथा कार्य समाप्ति की तिथि 16 सितंबर 2019 लिखी हुई है। सहायक अभियंता कृषि गुप्ता ने बताया कि मुआवजा राशि पूरी नहीं आई है, जिससे निर्माण की तिथि को बढ़ाया जाएगा। नहीं, हमको मुआवजा मिला नहीं है, साल भर हो गया। नहीं, हमको ब्याज पहले के थे, ब्याज देंगे, अभी तक ब्याज कुछ नहीं मिला है। मुआवजा वावजा कुछ ये कहते हैं हमारे पास एक नहीं आया, आएंगे जब बता देंगे यही बोलते हैं। करीब 6 करोड़ करीब मिल गए, गिरलैंड वालों को मिल गया है, उनके चाचा जी को मिल गया है, रोगवाड़ों को मिल गया है, और हमारे पुष्कनों को मिला है कुछों को। मतलब आपको बड़ी परेशानी हो रही है? कोई मुआवजा नहीं मिला है। हम रोज घूमते हैं, रोज एक दिन छोड़ के दूसरे दिन जाते हैं, मैडम के पास जाते हैं, कहते आए नहीं है अभी। देखिए जी, ये बाईपास सैंक्शन हुआ था पिछली बीजेपी गवर्नमेंट में। उससे पहले हमारे भंवर जितेंद्र सिंह जी ने ये जो कोटपुतली से किशनगढ़ जो मेगा हाईवे निकला था उसमें ये था, लेकिन बीजेपी की गलत नीतियों के कारण इसमें काफ़ी कुछ चेंज कर दिया था। लास्ट जब बीजेपी गवर्नमेंट जाने के करार पे थी, उनको लग रहा था कि हम खैरथल से हार रहे हैं, तो जल्दबाजी में ये उन्होंने फैसला लिया था, जो कि बिल्कुल गलत था। कुछ एक निजी खैरथल के जो बासिंदे हैं उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए एक टेबल पे बैठ के ग्रुप मीटिंग करके उन्होंने अपने चहेते को फ़ायदा पहुंचाने के लिए बाईपास को सैंक्शन करवाया, जो कि अभी तक आधरझूल में है, जिसका कि अभी किसी भी काश्तकार को कोई मुआवजा नहीं मिला है। सिर्फ जो उनके चहेते थे उनको बाईपास का मुआवजा दिलाया गया है, जो भी कोई 50% दिलाया है या 60% दिलवाया है। लेकिन हमारा मानना यह है कि ये जल्दबाजी है, बीजेपी ने जो कदम उठाए थे ये बिल्कुल गलत है, कुछ निजी स्वार्थ था लोगों का, उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए किया गया। लेकिन